बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। कश्मीर जो है वो प्रदर्शनों का शहर बना दिया गया है, लेकिन अभी तक जो बच्चे के माँ बाप थे वो घरों में अपने कामकाज करते थे, लेकिन आज ऐसे नालायक एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने माँ बाप को भी सड़कों पे ला दिया, वो कैसे, आप सब जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसका हमने वेलकम किया था, लेकिन कोई भी जब पॉलिसी आती है वन स्ट्रोक ऑर्डर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप कैसे कर सकते हैं, जबकि गोवा की बात करूं, कर्नाटका की बात करूं, आप सब भी गूगल में सर्च मार सकते हो, आप गूगल में सर्च मार सकते हो कि 2025-26 को फर्स्ट वालों की जो एडमिशन है वो इंप्लीमेंट होगी, वहां पे ऑर्डर जो है वो फर्स्ट क्लास की वहां पे इंप्लीमेंट होगी। तो जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे स्कूल है जो फर्स्ट क्लास की एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम स्कूल जो है इन माँ बाप को खज्जल कर रहे हैं, रोडों पर सड़कों पर आने पर मजबूर कर रहे हैं। तो आप मुझे बता दीजिए इन माँ बाप का कसूर क्या है। 2010 अगर SRO 1-2-3 पढ़ेंगे तो बड़े दिशा निर्देश के साथ, सख्ती के साथ स्कूलों में इंप्लीमेंट करवाया गया था, लेकिन उसमें भी कोई भी एज लिमिट बच्चे की नहीं लिखी गई थी। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिस तरह बाकी स्टेटों में 2025-26 में इंप्लीमेंट होगी, तो एलजी साहब के कौन से ऐसे एडवाइजर हैं, कौन से एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं जो इतने नालायक हैं कि उनको ये नहीं पता जो इनरोल में बच्चे हैं वो क्या करेंगे। लाखों बच्चों के पेरेंट्स आज रोडों पर आने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन आखिर चाहती क्या है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। जा तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एलजी को ही हटाना चाहती है, एलजी को ही नालायक सिद्ध करना चाहती है, या फिर इनरोल किए हुए बच्चों को इनको जल्द से जल्द एडमिशन दी जाए, और जो जो ऑर्डर है ये जो इंप्लीमेंट है ये 2025-26 में होना चाहिए जिस तरह गोवा में और हरियाणा में। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, LG Administration